सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, आप थंबनेल देख करके आए हैं कि भाई आज की इस क्लास में मैम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिसमें कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके ऑफकोर्स ज्यादा से ज्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल पर देखा और आपने क्लिक कर दिया। जी हाँ, आप एक बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको वाकई में सीएस के अंदर आप 100 में से 100 कैसे हासिल कर सकते हैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, ये टोटली हमारा क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहली यूनिट जो आपकी आती है वो क्या है, क्या है कि आपकी पाइथन से रिलेटेड है टोटली, है ना, जिसमें आपके प्रोग्राम्स हैं। अगर प्रोग्राम्स की बात करूं तो आपके पास फाइल हैंडलिंग एंड देन आप लोगों के पास में स्टैक है इसके अंदर, ठीक है। अगर और भी डीप के अंदर चले जाएं और एक एक चीज को देखें तो आपके पास में फंक्शंस हैं, जिसको वर्किंग विद फंक्शन या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन चैप्टर है आपका। देन आपके पास में आपने जो 11th के अंदर पढ़ा है, जिसमें आपके पास लिस्ट और डिक्शनरी है। तो ऐसे करके आपका ये पूरा बंच है जो बनता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आता है, आपके पास में दूसरा प्रैक्टिकल हिस्सा जो कि आपका SQL का होता है, जिसमें आपको SQL के अंदर आप कह लो कि आपका बेसिक से लेकर के आपका कनेक्टिविटी तक चीजें हैं जो जाती हैं, ठीक है। जॉइंस, आपके मल्टीपल रो फंक्शंस यानी कि ग्रुप बाय के फंक्शन, ये सारी चीजें करते 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 आप कनेक्टिविटी तक है जो पहुंच जाते हो। और अब तो आपको 5 नंबर का कनेक्टिविटी का प्रोग्राम भी है जो आने लग गया है, है ना। सो ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। इधर हम छोटू सा पोर्शन जो कि अपना 10 नंबर का ऐड कर देते हैं, जो कि कौन सा है, नेटवर्किंग का है, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, नेटवर्किंग आपकी 10 नंबर की है एंड यहाँ पर क्या है कि और ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये आपका 60 मार्क्स का पोर्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये 40 नंबर है और ये आपके 20 नंबर है, तो 40 या 60 हो गया आपके पास में और ये 10 नंबर आपके, टोटल 70 नंबर ऐसे हैं जो आपके पेपर के अंदर बन रहे होते हैं और 30 नंबर का जादू आप प्रैक्टिकल के अंदर करते ही हो। अब देखिए क्या है, 40, 20 और 10 नंबर, इस तरीके से आपके ये चीजें डिवाइडेड हैं। अब आपको ना एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ते रहना है कि आप बुक खोला और आप सुबह शाम, मतलब एक बच्चा है जो मान लो 4 घंटे पढ़ रहा है और तुम उसकी बजाय 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहे हो और 4 बच्चे वाला पेपर में यूं करके मार्क्स ले आता है और हम देखते रह जाते हैं कि भाई इतना पढ़ने के बाद भी प्रोडक्टिव चीजें हमारी क्यों नहीं हो रही हैं, हमें एक वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है जो हम सोच रहे थे, और उस बच्चे को 4 घंटे की पढ़ाई के बाद भी वो चीजें मिल जाती है। एक्चुअल में बात यहाँ से होती है, आज की डेट में स्मार्टनेस के साथ में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ हर कोई रहा है, तुम भी पढ़ रहे होंगे, तुम्हारा टॉपर दोस्त भी पढ़ रहा है और वो जो जिसको मतलब जो अभी अभी जागा है ना, तो हर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। अभी अभी जागा वाला भी जो बच्चा है ना, वो भी 100 में से 100 लेकर के आ सकता है, क्योंकि यहां से आपको स्मार्टनेस के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि भाई पेपर में सबसे ज्यादा जो नंबर हैवी वेटेज वाला जो पोर्शन है वो कौन से वाला है, है ना। तो वैसे आपको चीजें पढ़ने, जैसे आप 10 नंबर का है नेटवर्किंग, अब तुम लगा लो कि भाई बुक खोल ली और आप लगे उसकी थ्योरी पढ़ने के लिए, नहीं, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि थ्योरी वाला ये जो है ना, इधर इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, इसके 10 नंबर पता है कैसे डिवाइडेड होते हैं, इसमें से 5 नंबर का केस स्टडी बेस्ड आएगा, आपका लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर से 5 नंबर का नेटवर्किंग आ गया। अब पीछे 5 बचे तो उसमें से 1 या 2 नंबर का आपको फुल फॉर्म्स आ गया और उसके अलावा बच्चे उसके अंदर से 2 नंबर का थ्योरी आ गया और फिर बचा क्या पीछे। अगर इसको हम एवरेज 1 भी ले लेते हैं, 2 नहीं लेते हैं फुल फॉर्म्स वाले को, तो 5 और 1 6 7 8, पीछे 2 नंबर है, तो 2 नंबर आपसे MCQs में या फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है कि आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस कैसे पढ़ने, कौन कौन से गिने चुने पढ़ने हैं, और केस स्टडी वाला आपको ज्यादा है जो यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके का प्लान बना करके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप उस बुक को ही पूरा एकदम रटने के लिए बैठ जाओ, छोटे भाई को सुबह से लेके आपने बिठा रखा है कि भाई तू नेटवर्किंग सुन मुझसे, नहीं ऐसे नहीं होती है नेटवर्किंग। अब अगर आपके पास में देखो, इसको तो अगर आप लास्ट में भी हिस्से में खींचोगे ना तो भी आप इसको कवर अप कर लोगे, लेकिन बात होगी इस वाले हिस्से की, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में टाइम, अगर क्या टाइम तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, और नहीं है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिया है तो जस्टिफाई भी आपको उसके साथ करना ही पड़ेगा,
ठीक है, खुजली हो रही है तो तुम्हें खुद ही हाथ उठाकर के खुजली मिटानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारी मदद कर देगा, वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, अब आपके आपने ये सब्जेक्ट लिया है ना, तो आपको इसके साथ में उतना जस्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा जितना आप सोच करके आए हो 100 में से 100। ठीक है, अगर आप ये सोच बना रहे हो कि मुझे 100 में से 100 लेने हैं, तो फिर उतना जज्बा भी है जो रख करके आओ। ठीक है, उतनी मेहनत भी है जिसको आप करने के लिए तैयार है जो हो जाओ। अब स्मार्टनेस के साथ में मेहनत, उसमें मैं आपकी मदद कर रही हूँ। ठीक है, 40 नंबर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज 40 नंबर को ज्यादा टाइम है जो अभी से देना स्टार्ट करो। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कल पेपर होगा, है ना, अब ऑफकोर्स कल वाले के लिए तो ये स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो होगी कि कल तुम्हारा पेपर है एंड नाउ यू आर वॉचिंग कि हाँ कैसे मैं 100 में से 100 ला सकता हूँ, और अभी तक हमें फुल फॉर्म भी नहीं पता है बहुत सारी चीज़ों की, है ना। नहीं, हम वो बात नहीं करें, हमारे पास इनफ टाइम पड़ा है 1-2 महीने का, है ना। अब क्या है कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप क्या करिए, इनको ज़्यादा है जो टाइम दीजिए 40 वाले पोर्शन को, एंड देन आप अपने टाइम को टाइम दीजिए जिसमें आप एसक्यूएल जो कर रहे होंगे, क्वेरीज वाला जो आपका पोर्शन है 20 नंबर का है। ठीक है, अब देखो इसको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका ये वाला पोर्शन है प्रोग्रामिंग वाला, है ना, इसके अंदर से क्या है कि आपके पास में देखो, अगर 11th के पोर्शन की बात करें तो आप लिस्ट का और डिक्शनरी का वन शॉट विल बी इनफ। अब इसके प्रैक्टिकल्स आप कर लीजिए, इतने कर लीजिए कि जिससे एक स्लाइसिंग कंप्लीट हो जाए आपका, जिससे आपका इंडेक्सिंग थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि आपके पास इनके अंदर से डायरेक्ट 3 मार्क्स का प्रोग्राम आएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम आ गया तो आपको पता है कि भाई डिक्शनरी म्यूटेबल है, इसमें कीज और वैल्यूज होती हैं, लिस्ट भी आपकी म्यूटेबल है बट इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है, तो आपकी प्रोग्रामिंग हो जाए यहाँ से। अगर आप प्रोग्राम्स आपको नहीं भी मिल रहे हैं 2020, 2021, 2022, 2023, इनके आप प्रोग्राम्स ले लो पेपर के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रोग्राम्स पेपर के अंदर आएंगे। देन आप यहां से उठा लीजिए वर्किंग विद फंक्शन, इसमें से कोई प्रोग्राम तुम्हें आएगा नहीं, बट ये एक चैप्टर नमक की तरह है, प्याज की तरह है, हर एक के अंदर मिक्स होकर के मिलेगा, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो फाइल हैंडलिंग हो, और कोई भी प्रोग्राम पाइथन का क्यों ना हो, आपको यही बोला जाएगा कि क्रिएट अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन। ठीक है, अब इसमें से सीधा सा एक आपको प्रोग्राम भी आता है जिसमें आपको आउटपुट लिखना होता है 2 नंबर का, आउटपुट बेस्ड। फिर आपके पास में तीनों फाइलें हैं, भाई तीनों फाइलें मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फाइल 3 मार्क्स की, बाइनरी और CSV, 5-5 नंबर के प्रोग्राम्स आपके पास में आते हैं। ठीक है, अब आप इनको ढंग से नहीं, बहुत ही ज्यादा ढंग से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इतना ढंग से पढ़ रहे होंगे कि आप, मैंने वही चीज बोली ना, 20-21 कम से कम आप 4 से 5 साल प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर है उसमें जो प्रोग्राम्स आ रखे हैं आप उनको तो जरूर ही है जो करेंगे। ठीक है, उनको जरूर करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो तो नहीं आएंगे बट उनके जैसे तो आ सकते हैं ना, तो कभी कभी वो भी आ जाते हैं, सेम वर्डिंग आ जाती है, आपने बहुत बार देखा होगा एसक्यूएल में तो डायरेक्ट टेबल ही चिपकाई जाती है कि 20 में जो पेपर आया टेबल थी वही 23 में आपको दिख सकती है। ओके, अब ये तीनों हो गए, उसके बाद में आपके पास में आएगा स्टैक, 3 मार्क्स का आपको डायरेक्ट प्रोग्राम आएगा, आपको कुछ थ्योरी इसमें रटने वटने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसको 10 मिनट में भी करा रखा है, 5 मिनट में भी करा रखा है, इसको 1 घंटे की क्लास में भी करा रखा है, दैट इज अप टू यू कि आप कौन से लेवल पर हैं। कि आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो वन शॉट काफी है वाला वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रामिंग है। अब ज्यादा से ज्यादा आप इस पर टाइम दो, कितना दें, जितना हो सकता है आप उतना टाइम इस पर दो। ठीक है, अगर आपकी तैयारी, आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप उतना कम टाइम दे सकते हैं। अगर आप बहुत ही कच्चे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपको पता ही नहीं चलता कि हाउ टू स्टार्ट, मैं प्रोग्राम कैसे करना, कैसे शुरू करूं, तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपको सारी चीजें छोड़ करके टाइम जरूर है जो इसके ऊपर देना होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग पोर्शन हो जाने के बाद में हम आएंगे हमारे पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने, जो कि 20 नंबर का है, विच इज एसक्यूएल। एसक्यूएल कुछ भी नहीं है, आप एक टेबल को टारगेट कर लीजिए, अब उसी के अंदर हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट दैट टेबल विद कंस्ट्रेंट, विदाउट कंस्ट्रेंट, हाउ टू एंटर द डेटा, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीजें उसी एक टेबल पर कर डालो। दिस इज लाइक अ वन शॉट वन डे क्लास, मतलब एक ही दिन में तुम्हारा एसक्यूएल हो जाएगा, दैट इज ओके है, श्योर है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में आपको टाइम लगेगा, देखो थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें टाइम नहीं लगता, तुम वन शॉट देखते हो देन तुम्हारा हो जाता है, बट यहाँ तुम्हें दिनों का टाइम लगेगा, क्योंकि वंस मतलब पहली बार आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देन आप प्रैक्टिकल, फिर आप खुद से प्रैक्टिकल, तो आपको टाइम लगेगा।
ठीक है, लेकिन इतना है कि जब आपका इंटरेस्ट आ गया और आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, देन आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती सीएस के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने आपको नेटवर्किंग तो खैर बता ही दिया है, ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अब मैं आपको ना टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फटाफट से बता देती हूँ कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। पाइथन रिवीजन टूर के अंदर आपको टोकन्स, एरर फाइंडिंग, एक्सप्रेशन आइडेंटिफायर का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमेशा, आउटपुट बेस्ड ऑपरेटर प्रेफरेंसेस वाले क्वेश्चन, स्लाइसिंग हो गया, क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट क्रिएशन, ठीक है, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस और उनकी मॉड्यूल्स आपसे पूछ लिए, कंकैटिनेशन या रेप्लिकेशन, लिस्ट का प्रोग्राम, म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट, ऑपरेशंस पूछ लिए कुछ दो चार ट्यूपल्स पर इम्यूटेबल म्यूटेबल को लेकर के, आइडेंटिफाई की ऑपरेटर कौन सा है कौन सा नहीं है, फिर फंक्शंस के अंदर से आपको लोकल ग्लोबल के बीच अंतर, एक्चुअल फॉर्मल के बीच में अंतर, ग्लोबल कीवर्ड क्या है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, म्यूटेबल इम्यूटेबल पैरामीटर करके चले जाना, इतना ज्यादा नहीं आता, रैंडम मॉड्यूल से दो नंबर का प्रोग्राम आपको जरूर आता है। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल की एक लिस्ट भी बन रखी है, आप उसको वॉच करना। स्टैक से क्यों नहीं आता आपको, स्टैक से आपको प्रोग्राम आएगा 3 मार्क्स का, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप चीजें कर देंगे। आप 4 साल का पिछले 5 साल का पेपर भी उठाएंगे तो भी आपको चीजें जो आ जाएंगी। तो मेन चीज रहेगी कि वंस इफ यू हैव डन द, आपने जो कंसेप्ट कर लिया है, वन शॉट्स देख लिए हैं मेरे चैनल से, देन आप आ सकते हैं प्रैक्टिस के ऊपर, और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे तो आपको वर्ड बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं, कैरेक्टर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, लाइन वाले जो होते हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई आपको ऑड इवन लाइंस प्रिंट करानी है, आपको लाइन नंबर के साथ में चीजें प्रिंट करानी है, कौन सी लाइन ए से टी से स्टार्ट हो रही है, कौन सा वर्ड ए बी सी या उसे न्यूमेरिक से या फिर किसी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, कितने स्पेस है, कितने कॉमा है, सारे आपको आने चाहिए। अभी मैंने जितनी चीजें बोली ना, शायद इसमें से तुम्हें पेपर में कुछ देखने को मिल जाएगा। अंतर टेक्स्ट और बाइनरी के बीच में, सीएसवी के बीच में, ठीक है, मोड की आपको पूरी जानकारी, पिकल मॉड्यूल, लोड और डंप दोनों के बीच में अंतर क्या है, सर्च, एटलीस्ट आप सर्च रीड और राइट तो बाइनरी के अंदर करें ही, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ, आउटपुट बेस्ड इसमें आने की संभावना रहती नहीं है, बट भी आप कर लेना। सीएसवी फाइल इज लाइक अ वन शॉट क्लास, तो दो तो फंक्शन है इसके अंदर के, ठीक है, आपने वंस कर लिए तो आपकी चीजें हो जाएंगी, 5 नंबर पक्के कर बैठोगे आप अगर सीएसवी को, अगर आप 1 आवर दे देते हो तो, ठीक है, ओके। सो सिंटेक्स और दोनों का आपका पूरा एकदम पक्का हुआ होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले क्वेश्चन आया करते थे, अभी जैसे अभी साल से आपको प्रोग्राम्स आएगा, ठीक है, सीक और टेल हो गया, इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए, बाकी बाइनरी सीएसवी का प्रोग्रामिंग टेक्स्ट मैंने कहा आपको पता होना चाहिए। नेटवर्किंग में टॉपोलॉजी, एब्रीवेशन, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, गाइडेड, अनगाइडेड, केस स्टडी बेस्ड, ठीक है, क्राइम्स हो गया, साइबर क्राइम, ये बाकी इसमें से ना सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसको कट कर देना आप, हैकर्स, क्रैकर, ये सारे अंतर तो आपको पता है, लेकिन आप एक चीज जरूर करेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, मैंने, मेरे को आवाज आई, मेरे को लगा कि ये, हाँ मेरे को लगा कि मेमोरी फुल हो जाती है ना कभी कभी, तो ये वीडियो बीच में बंद कर देता है। डिग्री का, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, लैंडमैन पैनमैन। नेटवर्किंग में आपको एक चीज और बताऊं कि आप वेबसाइट वाले चैप्टर जरूर करना, HTML XML के अंदर अंतर क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक में के बीच में अंतर क्या है, वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल, वेबसाइट, वेब पेज में अंतर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, ठीक है, VOIP, वेब वेब वाला जो चैप्टर है उसको जरूर, उसको ढंग से देख लेना। इतनी मैंने चीजें बताई है ना, अटक जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन इसके अंदर से। फिर कार्डिनालिटी हो गया, कीज की पहचान हो गया, डिग्री हो गया, ठीक है, DDL DML के अंदर अंतर, कैटेगरी वाइज कि भाई DDL के अंदर कितनी आती है आपकी, जो सेलेक्ट, इंसर्ट, ये सब है ना, कंस्ट्रेंट्स की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अपडेट, डिस्टिंक्ट, काउंट, काउंट स्टार के बीच में अंतर, ज्वाइन, ग्रुप बाय से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, वेयर क्लॉज तो खैर आता ही है, ऑर्डर बाय, क्रिएट टेबल 3 मार्क्स का आता है, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना, बिटवीन के साथ एंड आता है, लाइक आपको आना चाहिए, इन, यूज ऑफ एन, ठीक है, और एंड जो आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनसे आपको थोड़ा थोड़ा आप कर लेना। डिस्क्राइब इज इंपॉर्टेंट, DESCA हर बार आता है आपको, अल्टर आता है आपको एक क्वेश्चन, यूज, शो, अंतर आपको पता होना चाहिए, डिलीट और ड्रॉप के बीच में, अपडेट और अल्टर के बीच में, नल के साथ इज आता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी फैच वन फैच ऑल के अंदर अंतर, अगर कनेक्टिविटी, रो काउंट का क्या यूज है, कमिट कहां पर लगता है, सिंटेक्स इसका पूरा एकदम चकाचक होना चाहिए, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, शो, ये सारी चीजें, राइट। अब मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, आप इसकी एक चेकलिस्ट खुद से बनाइए।
देखिए ऐसा नहीं है कि पेपर में जो चीजें आएंगी वही डिस्कस करें, नहीं, आप वंस एक बार तो पूरा सिलेबस गो थ्रू करके ही जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर में जो चीज आई है वो आपको नहीं भी आती, उसके सिमिलर चीज भी अगर आप लिख आते हो तो कुछ तो नंबर मिलते हैं, तो हमें वो कुछ नंबर ही यहाँ पर है जो कुछ कुछ एकदम बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तभी तो जाकर के 100 बनेंगे, है ना। और मैंने यहाँ पर लिखा है देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, है ना, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ते हमें चाहिए नहीं, और ऐसे सक्सेस के लिए तो हमें चाहिए नहीं, हम मेहनत करके वहां पर है जो जाएंगे, ताकि वो चीज याद भी रहे जिंदगी भर, उसकी यादें एकदम मीठी बन करके हमारी एकदम मेमोरी बॉक्स के अंदर है जो भर जाए, पीछे अगर मुड़ करके देखे तो हाँ एक वो टाइम था जो मेरा मेहनत का टाइम था, है ना। तो फिर आप अपने किस्से जो सुना रहे हो, ठीक है, तो ये हमारी बातें थी कि भैया आप कम टाइम के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर कैसे चीजें कवर अप कर सकते हैं। चेकलिस्ट बनाना एक बार कि भाई ये चीजें मेरी हो चुकी हैं विद द प्रैक्टिकल, देन आप आना क्वेश्चंस के ऊपर, और चैनल के ऊपर डायमंड क्वेश्चन सीरीज PYQs हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, एक एक करके आप अगर उनको एक एक वीडियो भी रोज वॉच करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें जो आपकी कवर अप हो जाएंगी। बाकी आप चैनल को जरूर है जो शेयर करिए दोस्तों के साथ में, जितना हो सकता उतना आप शेयर करिए इस चैनल को, ठीक है। बहुत कोशिश की जा रही है कि आपके बोर्ड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने भाई 100 इतना ही तो मांगा है ना, तो 100 में से 100 नंबर हैं जो हर एक बच्चा, बिल्कुल दुआ भी करेंगे और कोशिश भी यही है कि आप लोगों के आए, राइट। तो ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, बस आप लोग गुरु दक्षिणा के लिए एक चीज करिए कि भाई मैं अपने एक दोस्त को है जो मैम का जो चैनल है जिसको जरूर रेकमेंड करूंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप ये चीजें जो करिए, बाकी चीजें आप हम पर छोड़ दीजिए IP और CS के लिए, एंड हमेशा की तरह बिल्कुल वादे को कंप्लीट करते हुए आपके लिए चीजें लेकर के आएंगे बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच, चलते हैं, गॉड ब्लेस यू।